हेलो गाइस, दिस इज भाई शर्मा हियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर करा था कॉलिन डेटा। गाइस, हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट फाइलम की, दैट इज कॉल्ड प्लैटीहेलमिंथेस। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड जो फाइलम है वो हमारा प्लैटीहेलमिंथेस है। तो हम इस वीडियो में अपने प्लैटीहेलमिंथेस के होने वाले जितने भी अपने एनिमल्स हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उसको इस ग्रुप में, इस वीडियो में, अपने एनिमल इन दिस ग्रुप इज बायलैटरली सिमेट्रिक, मतलब कि इस ग्रुप के जो जितने भी एनिमल हैं उनकी जो बॉडी होती है आपकी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब दो लेयर वाली, बायलैटर मतलब दो लेयर वाली। ठीक है, जिसका मतलब है meaning that the left and the right halves of the body of the same design, मतलब कि जो left और right side से उसकी half जो body होती है वो almost same design की, मतलब same आकृति की पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें second point की। There are three layer of the cell formation, मतलब कि इसमें तीन तरीके की cell formation होती है, which differentiated tissue can be made, that is वाई, मतलब कि इसमें बताया गया है जो आपके जो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू दैट कैन बी मेड दैट इज वाई सच एनिमल आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इसमें जो तीन टाइप की सेल्स की लेयर की फॉर्मेशन होती है जिस वजह से जो टिश्यू जो मतलब इसकी जो ग्रुप है उसको जो डिफ्रेंशिएटेड करा जाता है वो आपका जो बेसिस पे करा जाता है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, मतलब कि ट्रिप्लो मतलब ट्राइब, और जो ब्लास्टिक है वो आपकी सेल्स फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड, ये अलाउ करती है आपका आउटसाइड और इनसाइड बॉडी लाइनिंग को। ठीक है, उसी के साथ साथ सम ऑर्गेनिज्म टू बी मेड बनाने। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें बात कर लेते हैं। देयर इज सम डिग्री ऑफ अ टिश्यू फॉर्मेशन, मतलब इसमें कुछ टिश्यू की फॉर्मेशन भी होती है। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी, मतलब कि इसके अंदर कोई मतलब जैसे बोल सकते हैं कि ट्रू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि इसमें जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, एंड सोइलम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी एकोमोडेटेड, मतलब कि इसमें जितने भी हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो आपके बिल्कुल वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रल, मतलब जो बॉडी होती है फ्लैटेंड होती है, और दूसरी बात क्या है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेके और नीचे तक डॉर्सी वेंट्रली होती है, विच इज वाई दीज एनिमल आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक है, जिसकी डॉर्सी वेंट्रल मतलब वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे जो उसका जो बॉडी डिजाइन होता है वो फ्लैट होता है, जिस वजह से इनको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, गाइस ये आपके फ्री लिविंग भी होते हैं और आपका पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे कुछ पैरासाइटिक की अगर बात कर लेते हैं तो पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस तरीके के होते हैं जिनको मतलब वो एक तरीके से लिविंग फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं लेकिन होते लिविंग है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन दे कैन बी शो देयर लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब वो अपनी जो जीवित जिसे बोल सकते हो आप अपनी जीवित जर्नी को शो कर देते हैं, मतलब कि जब अपने लिविंग कैरेक्टर होते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बोल दूं, जो हमारी फंगस होती है वो हमारे जैसे आप देखते हैं विंटर के टाइम पे ना तो रैशेज होते हैं ना ही आपकी फंगस होती है, लेकिन उसमें क्या होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है विंटर्स टाइम में थोड़ा कम रहता है और जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है। डेट्स वाई क्या होता है उसमें जो उसके जो करेक्टर होते हैं उसको फेवरेबल कंडीशन उसकी क्या होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्वेट ऑफ द बॉडी, ये क्या होती है इस तरीके की जो कंडीशंस होती है उसके लिए फंगस के लिए ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, और उस टाइम पर उसको वो कंडीशन नहीं मिलती है, डेट्स वाई दे कैन नॉट बी ग्रो एनी मोर फर्दरली। लेकिन अगर यही कंडीशन हम गर्मी में कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि जिसको बोलते हैं कि घमोरियाँ हो गई हैं या फिर आपको जो दाने हो जाते हैं
या फिर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर फंगस वाली प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक तो होती है, साथ में आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हाई होता है, जिसकी वजह से वो जो और फिर साथ साथ स्वेट मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट उसमें सारी कंडीशन कैसी आती है, फेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन के साथ वो पैरासाइटिक ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें आपकी ये फेवरेबल कंडीशन इसके लिए वो हमेशा कंडीशन फेवरेबल होती है, इसलिए ये इसका लिविंग स्ट्रक्चर भी शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर गाइस बात करते हैं इसके सिक्स तौर पे, तो इसके एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड्स फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लैनेरिया, जिसमें अगर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करिए, एनिमल्स की बात करिए, तो आपका वो प्लैनेरिया आ गया, और पैरासाइटिक एनिमल लाइक लिवर फ्लक्स, ठीक है। तो आपकी जो दो कंडीशन में पड़ी, कि वो दोनों कंडीशन इन्होंने यहाँ पर बता दिए, कि अगर आपके फ्री लिविंग और एनिमल की बात करिए तो आपका प्लेनेरी आ जाएगा, और अगर बात कर लेते हैं आपके किसकी पैरासाइटिक एनिमल्स की, तो उसमें आपका लिवर फ्लक्स भी आ जाएगा। ये हमारे कुछ डायग्राम है जो कि हमने इसमें प्लेनेरिया दिखा रखा है आपको, और साथ में आपका लिवर फ्लक्स भी दिखा रखा है, ठीक है। तो प्लेनेरिया का डायग्राम अगर देखते हैं, तो देखिए इसका जो प्लेनेरिया का डायग्राम जो आपका फ्री लिविंग एनिमल है, तो ये आपका प्लेनेरिया है, और ये आपका क्या है, पैरासाइटिंग एनिमल, ठीक है, जिसको हम क्या नाम है, लीवर फ्लक्स भी बोलते हैं। तो गाइस ये आपका व्यू था, एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी थोड़ा सा और फास्ट रिव्यू ले लेते हैं एक बार, ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके रिविजन की अगर बात कर लेते हैं, तो द बॉडी ऑफ अ एनिमल इन दिस ग्रुप इस बायोलिट्रिकली सिमिलर, मतलब कि इस ग्रुप के जितने भी एनिमल थे वो सबसे पहले इस लाइन से पहले भी हम लोग बात समझते हैं, प्लैटीएलमेंथिस मतलब फ्लैट बॉम्स, मतलब जिसमें बात करेंगे किससे, प्लैटीएलमेंथिस क्या हुआ आपके, फ्लैट बॉम्स हुआ, ठीक है। दूसरा अब इसके पॉइंट की बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बायोलिट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, जो कि आपका लेफ्ट और राइट हाउस की तरफ से ऑलमोस्ट सेम डिजाइन की पाई जाती है, ठीक। सेकेंड में अगर बात कर लें, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्यों, क्योंकि दे हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ थ्री टाइप ऑफ लेयर ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंशिएटिंग टू डीप दिस टाइप ऑफ अ टिश्यू वैरायटीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसमें थ्री लेयर ऑफ अ सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं, और ये अलाउ करता है आपका आउटसाइड इनसाइड लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गेनिज्म टू मेट बनने में, ठीक है, आपको मतलब बाहर से और अंदर की तरफ लाइनिंग में, ठीक है। देयर इज सम डिग्री ऑफ अ टिश्यू, मतलब कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपकी टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, और दूसरा आपका इसमें आपकी जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है, मतलब बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें सीरियम इज एंड विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी एकोमोडेट, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन भी आपके जो है पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा द बॉडी स्ट्रेटेड, जैसे अभी हमने बात करी प्लैटीएलमेंथिस मतलब फ्लैट बॉम्स, इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सली लेके बैठे लेते हैं, इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लैट बॉम्स, व्हिच इज व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट बॉम्स, यही बात जो मैंने अभी बोली, जिसकी वजह से इनको फ्लैट बॉम्स भी बोलते हैं। और इसमें जो इंक्लूड होने वाले एनिमल्स हैं वो आपके ओवर लिविंग फ्री लिविंग एनिमल्स और आपके पैरासाइटिक एनिमल्स, ठीक है। फ्री लिविंग एनिमल्स हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, प्लेनेरिया, और हमने पैरासाइटिक में क्या पढ़ लिया आपका, लीवर फ्लक्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ आपको ओवरऑल व्यू था इस हमारे प्लैटीएलमेंथिस फाइलम का। आई होप यू गाइस इज लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट फाइलम ऑफ दिस एनिमल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।